हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुस किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत में खाने वाली एक बहुत ही यमी रेसिपी, मखाने की खीर। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फॉर मोर नोटिफिकेशन। यहाँ मैंने एक कप मखाना लिया है, आप अच्छी क्वालिटी का मखाना ले। देखिए ऐसे फुला फुला होना चाहिए। अब इस मखाने को 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। आप इसमें कोई भी तेल या घी का यूज़ ना करें। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ, ये आसानी से टूट जाएगा, इसका मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। अभी हाँ, मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसे छोड़ दिया है कम आँच पे बॉईल होने के लिए। जब तक ये गाढ़ा नहीं होता तब तक इसे हमें ऐसे ही बॉईल करना है। जब मखाना ठंडा हो जाए फिर इसका पाउडर बना लेंगे इसे ग्राइंड करके। मखाना ग्राइंड करने के बाद एक बाउल में इसे निकाल लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है। यहाँ मैंने लिया है काजू, बादाम, किशमिश और अखरोट। इसे आप चाहें तो हल्का सा घी में रोस्ट कर सकते हैं, पर यहाँ मैं ऐसे ही डालूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ दूध भी अच्छी तरह बॉयल हो गया है, ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। तो इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने ड्राई फ्रूट्स को छोटा कट कर लिया है और इसके बाद इसमें डाल देंगे, और थोड़ा चलाने के बाद इसमें डाल देंगे जो भी मैंने पाउडर बनाया है। तो मखाने का पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डालें और कंटिन्यूसली उसे चलाते रहें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें लम्स हो जाएगा और इससे खीर अच्छी नहीं बनेगी। आपको इसे डालना है और कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है चम्मच से। मखाना पाउडर डालते समय दूध की आँच बिल्कुल ही कम होनी चाहिए, और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा मखाने का पाउडर दूध में। फिर गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे हमें कंटिन्यूसली इसी तरह चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा नहीं होता। इसे गाढ़ा होने में कम से कम 5 मिनट और लगेगा। फिर आप देखेंगे कि जैसे ही ये गाढ़ा हो जाता है तो इसमें मैं डाल दूंगी चीनी। चीनी यहाँ मैंने 100 ग्राम लिया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, या आप अपने स्वादानुसार लें। और चीनी डालने के बाद तुरंत ही गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद भी इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है चम्मच से, इससे सारी चीनी मिल जाएगी खीर में। अब इसमें 2 इलायची कूटकर मैंने डाला है, आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इलायची पाउडर आप 1/4 टेबल स्पून डालें और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। खीर रेडी है, ठंडा होने के बाद आप इसे सर्व करें और गार्निश करें कुछ ड्राई फ्रूट्स और केसर के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।